गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर मैथ्स, आपके पेपर वन और उसका यूनिट वन, और उसमें जो है हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, परिमित अंतरकलन, यानी कि द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं आपको क्वेश्चन करवा रही थी और आगे जो है मैं आपको क्वेश्चन करवा रही। चलिए, अब जो है सबसे पहले जो है मैं आपको ये एक चीज रिवाइज करा दूं कि क्रम गुणित फलन जो है वो क्या होता है। ठीक है, एक्स एन अगर लिखा हुआ होता है, एक्स और एक्स के ऊपर घात में जो है एन, और उसको भी इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक्स पे जो है एक्स तथा उसके जो है अचर अंदर वाले जो भी पद आते हैं उनका जो है कहां तक होगा कि एन माइनस तक, एन माइनस तक जो है उसका गुणा होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं, ये क्या है? क्रम गुणित फलन। ठीक है, ये है क्रम गुणित फलन। तो इसके लिए जो है कुछ एग्जाम्पल भी किए थे हमने, किया था कि किसी भी जो है बहुपद को क्रम गुणित फलन में जो है हम लोग बदल सकते हैं। तो वो कैसे बदल सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू जो ये हो जाता है एफ जीरो, फिर डेल्टा एफ जीरो अपॉन वन फैक्टोरियल और एक्स के ऊपर जो है आ जाता है ब्रैकेट में वन, फिर जाता है डेल्टा स्क्वायर एफ जीरो अपॉन टू फैक्टोरियल और एक्स के ऊपर जो आ जाता है टू, और एन सो ऑन, आगे ये चलता जाता है और कहां तक जाता है? एन तक। ठीक है, ये एन तक जाता है, और इसके ऊपर इसके बेस जो हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है हमको सारणी दी हुई थी, और सारणी से जो है हमने अपने जो है ये एफ एक्स जो है वो इस फॉर्मूला की मदद से जो है वो ज्ञात किया था। ठीक है, अब जो है एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि फलन ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम अंतर जो है वो ये दिया हुआ है आपको, और फलन ज्ञात करना है। कहते हैं कि फलन ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम अंतर है कौन सा? एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व। ठीक है, जिसका प्रथम अंतर है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व। सबसे पहले जो है ये प्रथम अंतर दिया हुआ है, तो मैं मान लेती हूं कि माना फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, अब ये होता है आपका स्वतंत्र चर। ठीक है, ये होता है स्वतंत्र और ये होता है परतंत्र चर। परतंत्र का मतलब होता है कि वो x पे जो है वो डिपेंड करता है, और यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो है अगर मैं यहाँ पे इसको इंग्लिश में अगर लिखूं तो x को कहते हैं आर्ग्यूमेंट और y को कहते हैं एंट्री। ठीक है, x को कहते हैं आर्ग्यूमेंट और y को कहते हैं एंट्री। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, क्या ज्ञात करना है? ये। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस बहुपद को जो मेरी एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व है बहुपद, उसको मैं क्या करूंगी? क्रम गुणित फलन में जो है वो बदलूंगी। ठीक है, तो बदलने के लिए जो है क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि जैसे a मुझे पता नहीं है तो x और इसके ऊपर जो है 3, b मुझे पता नहीं है और यहां पर c भी जो है अननोन है और यहां पे d, क्योंकि जब उसको क्रम गुणित फलन में जो है हम लोग चेंज करेंगे तो जो गुणांक होंगे यानी कोफिशियंट होंगे वो क्या हो जाएंगे? डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको करना कैसे? अब ये आ गया, अब क्रम गुणित फलन में जो है पहले तो हम सारणी से तो इजीली कर लेते थे। ठीक है, सारणी से जो है फलन अच्छी तरह से ज्ञात कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे कोई सारणी नहीं वगैरह ना कुछ नहीं, सिर्फ हमको डेल्टा एफ एक्स जो है हमें प्राप्त है और उस डेल्टा एफ एक्स को हमने क्रम गुणित फलन के रूप में लिख दिया है। अगर इसको चेंज करना होता है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे, यानी कि जो संश्लेषित विधि है
जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी उसका यूज करेंगे। उसको जो है किस तरह से करना है कि सबसे पहले जो है जो भी गुणांक है उनको लिख देना है, ठीक है। पहले इसका सिंथेटिक डिवीजन करना है वन से, क्योंकि आप जानते हैं कि x अगर 3 लिखती हूं तो इसका मतलब क्या होता है, x x माइनस वन और x माइनस टू होता है, x x माइनस वन और x माइनस टू होता है। तो सबसे पहले जो है वन से करते हैं, इसका सिंथेटिक डिवीजन करते हैं हम लोग, ये जीरो, दोनों को जोड़ेंगे वन आएगा, इस वन को फिर से इस वन के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है तो ये वन आ जाएगा, फिर यहाँ पे फोर, ठीक है, फोर को फिर से जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो ये नाइन आ जाएगा, और यहाँ पे जो है फिर से वन, नाइन को वन से मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखना है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 21। ये जो 21 जो है नंबर होगा, ये तो वो तरीका हो गया, यहाँ पे जो है इसको अलग तरीके से करना है, जबकि हम लोग एक संख्या से नहीं करेंगे दूसरी संख्या से करेंगे, इस वजह से जो है क्या करना है यहाँ पे अलग तरीके से करना है, सॉरी, ठीक है, क्योंकि मैं वहां पे फर्स्ट ईयर के जो है मेथड में चली गई थी। यहाँ पे जो है वन से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, ठीक है, फिर क्या करना है, जो अचर पद होगा उसको छोड़ देना है, उसको जो है कैपिटल डी नाम देना है, ठीक है। फिर जो सिंथेटिक डिवीजन करने के बाद यहाँ पे नाइन आया है उसको यहाँ पे नाम देना है सी, ठीक है। फिर जो है फिर टू के साथ करेंगे सिंथेटिक डिवीजन, देखिए वन के साथ कर लिया, अब जो है किसके साथ करना है, टू के साथ से करना है, जीरो वन और ये आ गया टू और यहाँ पे आ गया सिक्स, तो ये सिक्स जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बी और ये क्या हो जाएगा ए, ठीक है। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में करते थे तब क्या करते थे कि यहाँ पे पूरा जाते थे, यहाँ तक जाते थे, फिर इसको जो है आप जानते ए फोर नाम देते थे, फिर ए थ्री, फिर ए टू, फिर ए वन, फिर ए जीरो, इस तरह से आता था, लेकिन यहाँ पे जो है तरीका अलग है, यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट टर्म को पहले छोड़ देना है, उसको जो है क्या नाम देना है डी, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ ये सारे टर्म्स, तो डेल्टा एफ एक्स जो है आपके पास क्या आ गया, सबसे पहले जो है ए लिखेंगे तो ये आ जाएगा ए यानी कि वन और एक्स के ऊपर जो है थ्री, यहाँ पे लिख देती हूँ जैसे पूरा आ जाए, वरना आएगा नहीं, और प्लस बी क्या आया सिक्स, सी की वैल्यू क्या आई नाइन, और डी आपका है यहाँ पे 12। और पता है ये हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है, 12 को छोड़ते हैं, फिर इसको सी नाम देते बी, ये भी पूरी प्रोसीजर है। अगर आप अपनी न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो है किताब, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट हमें नहीं करना है, वहां पे हमको क्या करना है उसके बेस पे सिर्फ एग्जाम्पल करने, ठीक है। तो वो पूरा जो है यहाँ पे प्रोसीजर है कि ये हम लोग किस तरह से करते हैं, ये क्यों, मतलब ये क्यों कर रहे हैं ये वाले, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसमें रीजन जो है वो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं रीजन बता सकती हूँ आपको, पूरा थ्योरेटिकली करा सकती हूँ, लेकिन जो है वो हमारा समय जो है ऐसे व्यर्थ जाएगा। आपको क्या करना है कि जब भी अगर चेंज करना हो तो वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, इस तरह से सिंथेटिक डिवीजन करते जाना है और कॉन्स्टेंट टर्म को जो है यहाँ पे छोड़ना है। तो ये आपकी जो है डेल्टा एफ एक्स आ गई। अब फिर से भी अभी तक एफ एक्स कहाँ प्राप्त हुआ है, हमारे पास अभी भी डेल्टा एफ एक्स है, तो आप क्या कर लो इसको इंटीग्रेट कर लो, ये आ गया फोर थ्री, ये आ जाएगा टू, ये आ जाएगा 12 और 1 और फिर जो है साथ में और कांस्टेंट आएगा, कौन सा कोई भी ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे E भी ले सकते हो, या फिर जैसे D तक किया था आप E भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी आगे एफ एक्स, अब ये तो क्रमगुणित फलन में आई है, ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है, क्रमगुणित फलन में लिखना है। आप इसको एक्सपांड करके भी लिख सकते हो, जैसे 1/4 ये हो जाएगा एक्स, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री,
इस तरह से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन आप कहाँ तक लिखोगे, सिर्फ अगर पूछ भी लें तो यहीं तक ही करना है हमको, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो सिंथेटिक डिवीजन समझ में आया आपको कि किस तरह से करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2। चलिए ऐसा एक जो है और क्वेश्चन करती हूँ, जिससे जो है आपको और अच्छी तरह से आइडिया आ जाए, ठीक है। इसमें भी यूं है कि बोलते हैं कि जो बहुपद है इसके उत्तरोत्तर अंतरों को जो है क्रमगुणित फलन में जो है व्यक्त कीजिए, क्रमगुणित फलन संकेतन में जो है व्याख्या कीजिए इस तरह से, जिसका अंतर जो है कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, h=1 दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखूंगी, जो बहुत